My dear students, viewers, assalamu alaikum. Today our topic is once again poet and pancakes. This is chapter in the textbook of class 12th English. As you know, my dear students, you open your books on page number 64. We will continue this lesson once again through online mode. The great prose writer of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day, day after day, that prose writing is not and cannot be the true pursuit of genius. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and send it on to another editor, enclosing postage from the return of the manuscript. My dear students, I want to explain these lines first. On page number 64, the great prose writer of the world may not admit it. जो बड़े प्रोज राइटर निसाब के लिखने वाले हैं, बड़े निसाब के लिखने वाले हैं दुनिया में, मे नॉट एडमिट इट, वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे. बट माई कन्विक्शन, लेकिन माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बट माई माई डियर स्टूडेंट, कन्विक्शन हियर मीन्स ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ ग्रो स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस. मुझे इस पर यकीन है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ग्रो स्ट्रॉन्ग डे आफ्टर डे, ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मजबूत हो रहा है. दैट प्रोज राइटिंग, नसर लिखना, राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट, इट इज़ नॉट ए परस्यूट, हियर मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ ए जीनियस, दिस इज नॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ ए प्रोफेशन ऑफ ए जीनियस पर्सन. इट इज़ फॉर द पेशेंट, इसमें सब्र होना चाहिए, पेशेंट. Persistent, preserving, not usually an intellectual person. Drudge here means a person loves to service, loves to job with a heart so shrunken that nothing can break it. Isko koi, इसका दिल जो है, दैट इज़ शंकन, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कोई इसको ब्रेक नहीं किया कर सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है. रिजेक्शन सिंपल्स डोंट मीन्स ए थिंग टू हिम, इसको इसका लिखना कोई रिजेक्ट करे, डोंट मीन ए थिंग टू हिम, ये इसके लिए कोई माने नहीं है. ही एट वन सेट अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कापी ऑफ द लॉन्ग प्रोज, वो दोबारा एक लॉन्ग कापी प्रोज की बना लेता है, लॉन्ग प्रोज पीस, एंड सेंड इट टू द अनदर एडिटर, दूसरे एडिटर को भेजता है, एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न, और उसके साथ पोस्टेज भी उसके साथ भेजता है ताकि वो उसको वापस भेज सके ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट, उस मैनुस्क्रिप्ट को. इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश ए टिनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर. द हिंदू पेपर जो है, वहाँ एक अनाउंसमेंट हो गई थी, पब्लिश हो गया था, एक टिनी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, इज़ इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, जो कि इम्पोर्टेंट कॉर्नर नहीं था, ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, जो कि इम्पोर्टेंट पेज नहीं था, ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, उसमें एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट था, मुकाबला था, ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर. वहाँ पर ब्रिटिश पीरियडिकल के नाम से जिसका नाम रखा था द एनकाउंटर. ऑफकोर्स बेशक द एनकाउंटर वाजंट ए नून कमोडिटी अमंग द जर्मनी लिटरेटी, वो ये नहीं जानते थे जर्मनी लिटरेटी. आई वांट टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल, मुझे इसका पीरियडिकल का जो है एक आइडिया आया, बिफोर आई स्पेंड ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग ए मैनुस्क्रिप्ट टू द इंग्लैंड, तो मैंने ये अपनी जो है ये इंग्लैंड भेज दी मैनुस्क्रिप्ट टू द इंग्लैंड. नाउ हियर वी मूव ऑन पेज नंबर 65, माई डियर स्टूडेंट्स.
In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into the forbidden area. The British Council Library. In those dinon mein, the British Council Library jo thi had an entrance. एक दाखिला था उसके लिए विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स उसके ऊपर साइन बोर्ड्स नहीं थे एंड नोट्स नो नोट्स थे टू मेक यू फील यू वेयर स्नीकिंग इन टू द फॉरबिडन एरिया और आपको ये महसूस हो रहा था कि आप कहीं किसी फॉरबिडन एरिया में दाखिल हो गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स होप दिस फॉर टुडे थैंक्स